हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए गाइस, आज हम बनाते हैं चिली मशरूम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। बाउल में डालेंगे आधी कटोरी कॉर्नफ्लावर, आधी कटोरी मैदा, ये देखिए, हाफ टी स्पून नमक, और इसका हम अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम इसमें। ये देखिए, हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है। देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला। अब इसमें हम हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, हमने सारी चीज़ मिला लिया है। चलिए, ये देखिए, हमने मशरूम को काट लिया था। एक में चार पीस हमने कर लिया है, बड़ा था, जो छोटा था एक में दो कर लिया है। चलिए, इसमें डालकर इसको अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। देखिए गैस, हमने कढ़ाई में तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो रहा है। तेल हमारा गरम हो जाए फिर अपना मशरूम फ्राई करते हैं हम। तो गैस, हमारा तेल गरम हो चुका है। चलिए इसमें एक एक मशरूम अपना डाल देते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमने सारा डाल दिया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। जब तक एक तरफ ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं, नहीं तो ये हमारा कोटिंग छोड़ देगा। इसीलिए ये देखिए, एक तरफ ये हमारा हो चुका है। चलिए इसे हम पलट लेते हैं। देखिए, ये हमारा हो चुका है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। देखिए, हमने सारा निकाल लिया है। चलिए हम कढ़ाई का तेल थोड़ा कम कर देते हैं। देखिए गाइस, हमने तेल कम कर दिया है। चलिए इसी में हम अपना ये शिमला मिर्च डाल कर लेते हैं, और ये प्याज जिसका हमने स्लाइस निकाल लिया है। तो हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा क्रंची इसको ही रखेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। बस थोड़ा सा इसे हम हल्का सा कर लेते हैं फ्राई। देखिए, ये हमारा हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, हमने इसे निकाल लिया है। चलिए इसमें हम अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा लहसुन और अदरक जाता है गाइस। देखिए, इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, ये हमारा भून चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और इसमें हम 2 चम्मच चिली सॉस डालते हैं। 1 चम्मच टमाटर केचप डालते हैं। आधा चम्मच विनेगर और 1 चम्मच सोया सॉस
और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम ये अपना भुना हुआ शिमला और प्याज डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, अब चलिए हम, ये देखिए हमने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर देखिए इसे घोल लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने घोल लिया है इसे। अब चलिए इसे हम इसी में डाल देते हैं। ये देखिए, और गैस का फ्लेम तेज कर देते हैं। ओके, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये देखिए, और इसमें हम बारीक बारीक दो हरी मिर्ची काट कर डाल देते हैं। और इसमें हम अपना ये फ्राई किया हुआ मशरूम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें अच्छे से मिला लिया। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा गाइस, क्योंकि हमारे सारे सॉसेस में नमक है। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें अब हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देते हैं। ये देखिए, हमारा चिली मशरूम बनकर तैयार है। ये देखिए गाइस, हमने ड्राई बनाया है गाइस। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, इसी तरह बनाना, बस केवल आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए ज़्यादा। ये देखिए गाइस, अब ये बन गया है। चलिए हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसे सर्व कर लिया है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा चिली मशरूम बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस, आप भी इसे बनाइए, आप भी इसे बहुत अच्छा बनाएंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।